हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब्स में नॉन फाइनाइट वर्ब की। इससे पहले हमने कवर कर लिया है वर्ब्स में मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब में फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है। ये चीज़ें हमने समझ ली है। आपने नहीं देखा तो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। इस वीडियो में बेसिकली हम नॉन फाइनाइट की बात करेंगे। नॉन फाइनाइट में चाहे वो इन्फिनिटी हो, चाहे जीरंड हो, चाहे पार्टिसिपल हो। तो सबसे पहले देखते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव मतलब कि ये कभी कभी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर बिना टू के भी आती है। तो बेसिकली जो बेस फॉर्म होता है, द बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट यूजुअली फॉलोज टू, यूजुअली मतलब आमतौर पर टू के साथ आता है, जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि टू गो, टू कम, टू रीड, इस तरह से, ठीक। लेकिन कभी कभी ये बिना टू के भी आता है। तो देखते हैं कब टू के साथ और कैसे टू के बिना आता है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, ही वांट्स टू रीड, यहाँ पर क्या है, टू रीड। ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये टू के साथ आया हुआ है, इन्फिनिटिव है। इस तरह से दूसरे एग्जाम्पल में आई लाइक टू टीच, यहाँ पर टू के साथ आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए लेट अस रीड, लेट भी अपने आप में एक वर्ब होती है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब से ही स्टार्ट होता है। तो एक ये वर्ब हो गया, दूसरा ये है रीड। ये क्या है, नॉन फाइनाइट है जिसमें बिना टू के आया हुआ है। इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। लेट के साथ आता है जैसे लेट हिम गो, मॉडल्स के साथ भी आता है जैसे ही कैन रीड। ही कैन टू रीड नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर टू नहीं लगा सकते हैं। ही यू मस्ट रीड, कैन हो गया, मस्ट हो गया, या फिर कॉजिटिव वर्ब मेक या काज अगर लगाते हैं तो इसके साथ भी बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। जैसे आई मेड हिम रीड इंग्लिश, आई मेड हिम टू रीड इंग्लिश नहीं होगा। यही सारी चीज़ें आप देखिए, यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं ये ही एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कुछ नहीं पूछा जाता है। अगर सेंटेंस में एरर डिटेक्शन आपको दे देगा, इस तरह से दे सकता है लेट्स रीड, ये सही है कि गलत है, या फिर लेट हिम टू कम, ये सही है कि नहीं है। तो इस तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और ऐसे ही आएगा। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा और यही बेस है, इसको आप याद रखिए। कॉजिटिव वर्ब में भी इस तरह से बेयर इन्फिनिटिव आता है। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी, बकायदा क्वेश्चन आंसर, और उसको अच्छे से सॉल्व भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन अभी बेस आप जानते रहिए, कौन क्या है कैसे है, ताकि आपको आगे समझने में और आसानी हो। अब बात करते हैं जीरंड की। तो देखिए जीरंड होता क्या है, अ वर्ड एंडिंग इन आई एन सी दैट इज मेड फ्रॉम अ वर्ब एंड यूज्ड लाइक अ नाउन। एक वर्ब जो कि आई एन जी से एंड होता है, मतलब उसमें आई एन जी ऐड हो जाता है, और वो मेड फ्रॉम अ वर्ब, वर्ब से बनता है, मतलब वर्ब में हम आई एन जी जोड़ करके, जैसे गो है, आई एन जी लगा दिया गोइंग, ये इस तरह से बनता है। एंड यूज्ड लाइक अ नाउन, और लाइक नाउन, नाउन की तरह से यूज होता है। नाउन कहाँ कहाँ आता है, तो नाउन सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे, ये आता है। ऑब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट हो या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट में चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों जगह से पांच स्थान पे आता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इन स्थानों पर नाउन आता है। और उसी स्थान पर अगर आई एन जी फॉर्म आ गई तो हम उसको क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। आई एन जी फॉर्म मतलब वर्ब की आई एन जी फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रीडिंग इज माई पैसन। अब देखिए इसमें क्या है, रीडिंग आया हुआ है, रीड प्लस आई एन जी, रीड प्लस आई एन जी। अब देखते हैं जीरंड है कि नहीं है। तो ये किसके स्थान पे है, सब्जेक्ट के स्थान पे। सब्जेक्ट पहचानना आप जानते हैं अच्छी तरह से, सब्जेक्ट के स्थान पे हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो इस तरह ये किसके स्थान पे आया हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पे है। हेडवर्ड एक ही शब्द है सब्जेक्ट में, हेडवर्ड है, हेडवर्ड के स्थान पे या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो इस तरह से नाउन हो गया, मतलब कि आई एन जी फॉर्म नाउन के स्थान पे आया है, तो ये जीरंड हो गया।
दूसरे सेम एग्जांपल, ये रीडिंग की जगह टीचिंग होगा, टीचिंग इज माय पैशन, ये भी सब्जेक्ट के स्थान पे है, हेड वर्ड के स्थान पे, नाउन या प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पे आया हुआ है, नाउन के जैसे यूज हुआ है। दूसरे एग्जांपल में आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, यहाँ भी देखिए टीचिंग ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी नाउन या प्रोनाउन आता है, तो यहाँ भी नाउन के स्थान पर आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही लाइक्स डांसिंग इन मैरिज सेरेमनी, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है, लाइक डांसिंग। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट किसी के स्थान पे भी आ सकता है। एग्जांपल के लिए मैंने ये सेंटेंस रखा था, बेसिकली ये इसमें क्या हुआ है, नाउन के स्थान पे आया हुआ है और नाउन के रूप में यूज हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इसलिए क्या है, जीरंड है, ऐसे ही जीरंड का यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। ठीक, अब बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल क्या होता है, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट यूजुअली एंड्स इन ई डी और आई एन जी, वर्ब की वो फॉर्म जो ई डी से एंड होती है या फिर आई एन जी से एंड होती है, दो तरह से एंड हो सकता है, या तो लास्ट में ई डी आएगा या तो आई एन जी आएगा। दूसरी शर्त क्या है, एंड इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव, और कैसे यूज होगा, एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, मतलब कि एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है और नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो यही होता है, मोस्टली यही होता है, कहने का मतलब ये कि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताने के लिए ही आता है। अब अगर उसी स्थान पर ईडी की फॉर्म वाली वर्ब या तो आईएनजी की फॉर्म वाली वर्ब आ गई, तब उसको हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल कहेंगे, सिंपल है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। अब यहाँ पर देखिए, रीचिंग होम, होम क्या है, नाउन है, और ये रीचिंग क्या है, पहुंच करके, घर पहुंच करके, तो ये किसके स्थान पे आया हुआ है, एडजेक्टिव के स्थान पे आया हुआ है। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज है। कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे, मैंने बताया भी है, आप जाकर के इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज हुआ है। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो आई फाउंड अ लास्ट पेन, इसमें क्या है, लास्ट पेन, यहाँ पर देखिए लास्ट जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ईडी नहीं आया है, तो ईडी इन द सेंस क्या है कि यूजुअली, यहाँ पर इसलिए यूजुअली लिखा है कि आमतौर पर ईडी आता है। ईडी कहने का मतलब है कि वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म जो होती है, तो पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, थर्ड फॉर्म को कहते हैं। अब थर्ड फॉर्म में कई बार होता है कि ईडी नहीं आता है, तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं एक्सेप्शनल जिनके लास्ट में ईडी नहीं आता है, तो वो थर्ड फॉर्म होना चाहिए। यहां पर ये थर्ड फॉर्म ही है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो लॉस होता है। ठीक, ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज है, कैसे यूज होता है या जाकर के देख लीजिएगा। लास्ट पेन, लास्ट ये किस स्थान पर आया हुआ है, एडजेक्टिव के स्थान पर आया हुआ है। पेन की विशेषता बता रहा है कि खोया हुआ था, खोया हुआ पेन पाया, वर्ब यहां पर है पाया, क्या पाया, पेन पाया, कैसा पेन, खोया हुआ पेन, खोया हुआ उसकी विशेषता है। अगली बात करते हैं, हैविंग द सनसेट द स्टार्स केम इन टू द स्काई, सूरज डूबने के बाद, तो सूरज डूबा। ठीक, हैविंग सनसेट, हैविंग सनसेट, ये हैविंग किसके परफेक्ट पार्टिसिपल है, सूरज डूबने के बाद, सूरज क्या हो रहा है, डूब रहा है, तो डूबना उसकी विशेषता यहाँ पर आ गई है, वर्ब के रूप में नहीं आया है, ये उसकी विशेषता एडजेक्टिव के रूप में आया कि सूरज डूबा तो तारे आ गए। तो इस तरह से पार्टिसिपल का यूज होता है, उसमें हो सकता है आईएनजी आया, हो सकता है ईडी आया, कई बार ऐसा होता है ईडी नहीं आता क्योंकि कुछ ऐसी थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की जिसमें ईडी नहीं आता है, तो आ जाएगा, वो बिना ईडी के भी हो जाएगा, लेकिन ये बेसिकली क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, ये आपको याद रखना है। आईएनजी फॉर्म की एक और वर्ब है जिरंड, लेकिन वो काम किसका करती है, नाउन का काम करती है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आप समझ चुके हैं कि पार्टिसिपल कौन कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ पर। तीन पार्टिसिपल को मैंने बता दिया आपको, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। अब आप समझ चुके हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की, क्योंकि मेन वर्ब मैंने पूरा बता दिया आपको, फाइनाइट भी बता दिया, नॉन फाइनाइट भी बता दिया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव लिंकिंग सब बता दिया है। हेल्पिंग वर्ब में बात करेंगे ऑक्सिलरी में, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी की, नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।